हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका आपका मेरे चैनल द हाउस ऑफ थिंग्स पर स्वागत करती हूँ। आज मैं जयपुर विजिट पर आई हूँ। मेरे साथ मेरे मम्मी पापा जी और मेरी बहनें हैं। सबसे पहले हम आमेर किला जा रहे हैं। यह आमेर किला का बाहर का नज़ारा है, काफी खूबसूरत है। हम आमेर किला आ पहुंचे हैं। यहाँ सारंगी वादक काफी अच्छी धुन बजा रहा है। हम आमेर किला के अंदर जा रहे हैं। आमेर किला का नाम अंबा माता के नाम पे हुआ था। यह किला राजस्थान के बड़े किलों में से एक है। यह किला यूनेस्को की विश्व विरासतों की सूची में है। किले की वास्तुकला हिंदू और मुगल शैली का मिला जुला रूप है, जिसका रीजन यह है कि अकबर ने जोधाबाई से शादी की थी जो हिंदू थी। अब जो हम देख रहे हैं यह है दीवाने आम। यहाँ राजा दरबार लगाया करते थे और आम जनता की समस्या सुना करते थे। अब हम आ पहुंचे हैं शीश महल। यह आप शीश महल देख रहे हैं, इसमें शीशे की नक्काशी की गई है। इसके शीशे विदेश से मंगवाए गए थे। फिल्म मुगले आजम में शीश महल को दिखाया गया है। यह काफी खूबसूरत है। यह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती से यह पूरा जगमगा उठता है, जिसका कारण यह है कि शीशे होने की वजह से थोड़ा भी प्रकाश किरण से यह जगमगाने लगता है। यह काफी खूबसूरत है। काफी खूबसूरत है। इस बगान में कई फिल्मों के गाने की शूटिंग हो चुकी है। हम साथ साथ हैं बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर जैसी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। अब हम आ पहुँचे हैं दीवाने खास। जैसा आप देख रहे हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राजा इसमें अपने खास मेहमानों को ठहराया करते थे। टनल है जो राजा की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। महल में एक शिला देवी का मंदिर है, जिसका दर्शन करना ना भूले। इस किले की छत से थोड़ी दूर पर पहाड़ी पर स्थित हम जयगढ़ का किला देख सकते हैं। हम देख पा रहे हैं जयगढ़ का किला। इस किले के झरोखे से हम देख रहे हैं केसर क्यारी गार्डन, जिसने राजा ने बनवाया था। मकसद यह था कि जब हवा चले तो इसकी खुशबू पूरे महल में फैले, पर जयपुर एक गर्म शहर है, गर्मी की वजह से यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आमेर किला घूमने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं जयगढ़ का किला। इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसका नाम है जयावन, जिसे बस एक ही बार चलाया गया है। यह किला आमेर किला की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इस किले में सैनिक रहा करते थे। मुझे यह किला घूमने में काफी मजा आया। दूसरा दिन है। यह सिटी पैलेस है। यहाँ पार्किंग परिसर है। हम सिटी पैलेस जाएंगे। पहले इस पार्किंग परिसर में हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और वॉक करते हुए हम सिटी पैलेस जाएंगे। और पास ही जंतर मंतर है, हमारी गाड़ी यही पार्क रहेगी और हम जंतर मंतर को जाएंगे। हम सिटी पैलेस के अंदर है। यहाँ हम देख रहे हैं राजा महाराजाओं के जमाने के रखे तोप, और सामने हम देख रहे हैं पपेट की शॉप। और यह सिटी पैलेस के अंदर का नज़ारा है। यहाँ की कारीगरी नक्काशी काफ़ी खूबसूरत है। इसके अंदर आप कुछ खरीदारी कर सकती हैं। यहाँ आप मेहंदी लगवा सकती हैं अपने डिजाइन से, अपने पसंद के अनुसार इनसे आप मेहंदी लगवा सकती हैं। यह एक काफी बड़ा जार है जो राजा महाराजाओं के जमाने का है। इसमें पानी रखा कर जाता था।
सिटी पैलेस के पास ही जंतर मंतर है। यह जंतर मंतर है, हम जंतर मंतर आ चुके हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की बनी खगोलीय वैद्यशाला है। इस वैद्यशाला में सिर्फ पत्थर और पीतल का इस्तेमाल किया गया है। खगोलीय पिंडों की स्थिति का पता करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। यहाँ एक सूर्य घड़ी है जो सिर्फ सूर्य की परछाई से दिन का समय बताती है। इस परिसर में एक थिएटर है जो इसमें बनी संरचनाओं के बारे में बताता है। इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यह किस मकसद से बनाया गया है, उस जमाने में कैसे गणना की जाती थी, इसे बताया गया है। तो अगर आप जाएं तो इस थिएटर में जरूर जाएं। 15 मिनट का शो चलता है। कई लोगों को नहीं पता होने के कारण वह इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो अगर आप जाते हैं जंतर मंतर तो थिएटर जरूर जाएं। अब हम आ पहुंचे हैं जयपुर की शान हवा महल। यह भी काफी खूबसूरत है। अगर आप हवा महल आते हैं तो टैक्सी से ही आए। यहाँ गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं होती है, हमने अपनी गाड़ी पार्किंग परिसर में ही पार्क कर रखी है। यह काफी बड़ा है, खूबसूरत है। इसमें काफी झरोखे हैं। इस झरोखे से हवा अंदर आती है, बाहर जाती है, जो महल को ठंडा रखती है। इसकी छत से आप पूरे शहर का अद्भुत नजारा ले सकते हैं। रानियां झरोखे से शहर का नजारा लेती थी और उन्हें कोई देख ही नहीं सकता था। महल के अंदर पपेट शो चल रहा है, हमने इसका भी आनंद उठाया। ये राजस्थानी कल्चर की पहचान है। हवा महल घूमने के बाद अब हम खरीदारी करने जाएंगे। जयपुर शहर बाजार की खरीदारी, जयपुर बाजार की खरीदारी करने के लिए भी खासा जाना जाता है। यहाँ के बाजार जयपुरी साड़ी रजाई आभूषण के लिए खासा जाना जाता है। रात हो चुकी है, अब हम म्यूजियम में आए हैं। लाइटिंग की वजह से यह काफ़ी भव्य, विशाल और खूबसूरत दिख रहा है। अगर आपको म्यूजियम देखना पसंद ना हो तो सामने जू है, आप वहाँ भी जा सकते हैं।
मंदिर आ चुके हैं। यह काफी खूबसूरत है, इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह संगमरमर से बना हुआ है, इसकी नक्काशी आधुनिक और पौराणिक कला का समावेश है। तो मैंने अपना राजस्थान टूर आपसे शेयर किया, आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कॉमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा